सचिन को चाचिया मिली थी प्यार करने के लिए है? वो भी अपने देश में लड़की का कमी हो गया था क्या? कमी इतनी हुआ सुंदर सुंदर लड़की यहाँ है भाई। तो मतलब नहीं भाई, हमको पाकिस्तानी पत्नी चाहिए, हमारे देश को पाकिस्तानी भाभी चाहिए है? नमस्कार दोस्तों, देखिए सीमा हैदर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आई 4 बच्चों को लेके सचिन के पास, अब जो है वो यूपी एटीएस के घेरे में है। एटीएस उनसे सवाल पे सवाल करते जा रही है और वो फंसते जा रही है, और बार बार जो है बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि अब जो है सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना होगा, हो सकता है जेल भी होगी। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रूपम अर्णिका जी हैं, इनसे बात करेंगे। लोकी पढ़ाई करती हैं। अच्छा, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सचिन के प्यार में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मुझे यही कहना है छोटे शब्द में कि सचिन को चाचिया मिली थी प्यार करने के लिए है? वो भी अपने देश में लड़की का कमी हो गया था क्या? तो कमी इतनी हुआ सुंदर सुंदर लड़की यहाँ है भाई। मतलब कमी हुआ तब ना वो पाकिस्तान के अंडे अरे भाई, जाती। आपको कमी हो गया है, आप हाँ समझ कमी हो गया है। ला, तो हाँ आप भी जाइए पाकिस्तान, काहे काहे बैठे पाकिस्तान हुए भारत में? नहीं फिर ना, वो जरूरी नहीं है ना पाकिस्तान जाना, हिंदुस्तान में है ना ये। हिंदुस्तान, अभी तो वही हाँ तो कह रहे हैं, हाँ हिंदुस्तान में है ना, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ तो हिंदुस्तान में कमी हो गया था? नहीं, फिर भी पाकिस्तानी लड़की से, और वो भी सामने से प्यार नहीं हो रहा था, तब जाके पबजी का एजेंडा अपनाए। हाँ बताइए, जो चीज हमारे देश में इलीगल है, सचिन जो है हर चीज वही कर रहा है। पाकिस्तान इनेमी कंट्री है? तो नहीं भाई, हमको पाकिस्तानी पत्नी चाहिए, हमारे देश को पाकिस्तानी भाभी चाहिए है? हाँ तो गाना वाना भी बनाने लगे हाँ बनाने लगे आप। पाकिस्तान का जिज्जा कौन? सचिन। सचिन। हाँ बताइए पाकिस्तान का जीजा बन गया हाँ सचिन, जो कि उस पे तो मैं रिलाई करती हूँ, वेल एंड हाँ गुड है ये हाँ चीजें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने हरकतों से बाज आएगा नहीं आएगा नहीं। कभी। आ मिला मिला तो इसको पाकिस्ताने की चाची मिली, और कहीं का नहीं। पाकिस्तानी के चाची मिली, हाँ आखिर ऐसा क्यों है सचिन? अभी अभी आखिर देखिए, पोलैंड से सर से एक तो महिला आई हुई है, 45 वर्ष की ये महिला है, 5 साल की बच्ची है, इंस्टाग्राम से प्यार करके आया हुआ है, और दोनों कितना खुशी खुशियाल रह रहा है। भाई अगर पाकिस्तान के अलावा और कहीं की वो महिला होती तो शायद से लगता है इतना ज्यादा परेशानी नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं हाँ होता। देखिए बात क्या है ना, सचिन अब क्या है क्या नहीं वो तो अब जांच का विषय है, जांच लेकिन जो करते हैं। मेरा अनुभव कहता है, हाँ कहीं ना कहीं सचिन जो है हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है। सचिन गद्दारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पुष्टि मैं इसलिए कर रही हूँ, पुष्टि पूरी तरीके से नहीं कर रही, लेकिन हाँ हाँ अनुमान लगा रही हूँ। हाँ अनुमान ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि जब सीमा हैदर ने उसके फेस पे यू जस्ट हाँ किया था, हाँ उस समय सचिन के मुंह मुख से एक बातें निकली थी, वो थी अभी सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, हाँ आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल ये बहुत बड़ा खुलासा आपका है, बिल्कुल बिल्कुल, इस मैं चीज क्यों पे कोई नोटिस नहीं किया है। नहीं, बहुत लोग नोटिस किए हैं, हाँ बहुत लोग क्लिक किए हैं, लेकिन सवाल कोई क्यों खड़ा नहीं कर रहा? बस आपको पाकिस्तानी भाभी दिख रही है, एक बात जान लीजिए, पाकिस्तानी भाभी आप जिसको कह रहे हैं ना, वो हमारे देश में जब तक है बिल्कुल देश के लिए खतरा बनी हुई है। बिल्कुल, कहीं कहीं पूरे देश में जो है सभी लोग डरे हुए हैं कि पाकिस्तान से ऐसे कह लें कि लोग घुस जा रहे हैं कि जैसा बॉर्डर का कोई मतलब ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर सीमा हैदर हमारे देश के रास्ते को कोने कोने को अगर जान गई है, तो ये हमारे देश के लिए खतरे की निशानी है। बिल्कुल लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी हुई है, हाँ जो नेपाल पे इलीगल एक्ट हो रहे थे, बहुत बिल्कुल सारी चीजें, नकली पैसों का व्यापार हो जाए, या जो बिहार एक्साइज जो लगा हुआ है उस पे हो जाए, दारू का दारू का आवागमन आवागमन। होना, हाँ या फिर मतलब तमाम इलीगल काम जो होते हैं वो नेपाल और भारत की सीमा के भारत रास्ते की से सीमा हो से रहे हो थे, रहा है। बिल्कुल वहां पे सरकार का ध्यान खींचा है सीमा बिल्कुल हैदर ने, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट मतलब है। जो चीज। लेकिन हाँ लेकिन लेकिन यहाँ भी सरकार की मैं आज बुराई करूंगी, जस्ट बिकॉज सरकार जब कुछ हो जाता है तब क्यों जगती तब है? क्यों जगती है जब बताइए कोई कांड हो जाएगा तब क्यों जगती है? बताइए, कहाँ सोई हुई है कहाँ हमारी सोई हुई। सरकार? अच्छा ये हाँ पॉजिटिव चीज आप ढूंढे, लेकिन हाँ सरकार के लिए तो सवाल खड़ा हो रहा है ना, कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हमेशा सवाल करेंगे तभी आप सही कीजिएगा, सरकार में तब है क्यों आप लोग। आप है क्यों जब हाँ आपकी आंखों पे, देखिए कानून की आंखों पे पट्टी लगी रहती है, हाँ आई नो वेरी वेल, बट सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार की आंखों में तो पट्टी
पट्टी नहीं लगी हुई है, उनको तब क्यों दिखता है जब कुछ इलीगल एक्ट हो जाता है। पुलवामा अटैक देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए 26/11 आप दिल्ली को भी धमकी दिए जा रही है, उड़ाने की धमकी दी जा रही है ना, कल को फिर बिहार को उड़ाने की धमकी दी जाएगी। तो जब धमकी मिल जाती है तो भी ये शांत होते हैं कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा। अरे आप तो बस मुआवजा देने के लिए है ना, और जो हजारों लोग मर जाएंगे वो उसका कौन जवाब देगा? जो हजारों बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे तब आप एक्शन लीजिएगा, किसी की पत्नी जो है वो विधवा हो जाएगी तब आप एक्शन लीजिएगा, किसी के सर से माँ बाप का साया उठ जाएगा तब आप एक्शन लीजिएगा। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, लड़की अगर कुछ भी करे लड़की को टारगेट कर देंगे, आप बस नाम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर जो भी चीजें हैं, जैसे अभी सीमा हैदर का भारत में आगमन हो गया है, 2 महीने से चुपके से रह रही थी, इलीगल एक्ट था। आपको मैं बता दूं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5-11 इंडियन सिटीजनशिप जो और एक है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके तहत जो बच्चा भारत में जन्म लिया है या जिसके पेरेंट्स भारत में ऑलरेडी रहते हैं या जन्म ले चुके हैं या 5 साल भी रह चुके हैं, वही उसी को सिटीजनशिप मिलता है। क्या सीमा हैदर को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मिल सकता था यदि ये ये अगर वो रिलेटेबल होती, वो गुड फेथ में आती। तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी सिंगर आप जानते होंगे उन्होंने, और आपका जितना आपकी जनता है वो सब लोग उनको जानती होगी, अदनान सामी जी का नाम आपने सुना है, वो पाकिस्तानी सिटीजन थे। अच्छा। हाँ, वो बाय द रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 4 के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उनसे पूछा गया, आपको मैं बता दूं आपसे पूछा भी जाएगा कि आप क्यों इंडिया के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इंडिया में जो है ना बहुत सारे कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद है, इंडिया की जो पीस एंड साइलेंस है वो मुझे पसंद है, इंडिया में यूनिटी है वो मुझे पसंद है। अच्छा। तब जाके उनको नागरिकता दे दी गई थी और वो आज इंडियन सिटीजन है, लेकिन उनका बेटा इंडियन सिटीजन नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे अब चाहे उनका बेटा तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है पाकिस्तान से आके। क्यों? क्योंकि उसके फादर इंडियन सिटीजन है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक सीमा हैदर की बात कर लें तो सीमा हैदर से काफी लोग डरे हुए हैं, ठीक ना, कि वो जब तक इतने आसानी से भारत में आ गई तो कोई भी आ सकता है जा सकता है, कहीं कहीं पुलवामा अटैक से भी अब जोड़ा जाता है, यही वजह है कि कहीं कहीं पुलवामा अटैक हुआ। लेकिन हम लोग सरकार को क्यों वोट देते हैं, क्यों उनको बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए ना बैठाते हैं कि आप देश का सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे मैं और आप बाद में बाकी कुछ है, हम इस पे स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि मैं इस देश की आजाद नागरिक हूँ और मेरा वोट आपके लिए कीमती होता है, अगर हम आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, और आप भी शायद इसीलिए इस माइक का सहारा लेके उनपे क्वेश्चन दाग रहे हैं, क्योंकि आप भी आजाद नागरिक हैं और बोलने की आजादी है, जब हमें तारीफ करने की आजादी है तो बुराई करने की आजादी क्यों नहीं है, है ना। अगर जनता से मैं सवाल करती हूँ, क्या आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, क्या आपको अपना जीजा ही चुनना है? साफ बोल रही हूँ, क्या जीजा ही चुनना है? अगर सीमा हैदर हमारे देश में किसी भी तरीके से घुस जाती है, आप बताइए, आज तो वो अच्छे से थी, लेकिन बताइए वो कितनी बड़ा, मतलब कितनी बड़ी दुर्घटना का संकेत था वो, पुलवामा अटैक संकेत हो रहा है ना। और फिर इस चीज से तो लोग यही ना सीख रहे हैं, यही ना समझ रहे हैं कि जिस तरह से सीमा हैदर आज हिंदुस्तान में घुस गई उसी तरह पुलवामा अटैक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए ना, अगले महीने स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, और 15 अगस्त से ठीक 3 महीने पहले कुछ ऐसे घुसपैठी आ जाते हैं पाकिस्तान से, और अकेले नहीं, साथ में 4 बच्चे। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में ना जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, बचपन से ही उनको सारी चीजें बताई जाने लगती है, उनको ट्रेन किया जाता है, हमारे यहाँ ABCD सिखाया जाता है तो उनको बंदूक पकड़ना सिखाते हैं डायरेक्ट। पता है आपको, पता कीजिए, क्या गलत बोल रही हूँ, अफगानिस्तान जाके पता कीजिए, वहां बच्चे को बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है, इसलिए ये 4 बच्चे इतने ट्रेंड हैं। इसलिए उनको कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ मेरे बच्चे क्रिमिनल बन जाएंगे और भारत में जाएंगे कहीं ना कहीं भविष्य अच्छा बन जाएगा, तो ये भी सोच के तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बोलिए,
बताइए, जो अपने मुल्क का नहीं हुआ वो हमारे मुल्क का कैसे हो सकता है? तो जो है। अपने मुल्क के कल्चर को नहीं अपना पाया, आज वो हमारे देश में आके जो दिखावा कर रही है कि तुलसी पूजा कर रहे हैं हम, भाई हम सर पे आंचल ओढ़ रहे, मैं इस तरीके की ड्रेस पहनी तो क्या मैं संस्कारी नहीं हूँ? क्या जानते हैं लोग मेरे बारे में? पर्सनल लाइफ में हमको नहीं जानते, जो मेरे दिख रहा है ना लोग वैसे ही जज करेंगे, ही जज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको सीमा जो दिखा रही है वो दिखा रही है कि हम तो घूंघट टांगे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि अरे वो बहुत संस्कारी है, पाकिस्तानी भाभी आई है, भाई हमारे हिंदू धर्म में अब आ गई है तो हम देशवासी भोले भाले भोले भाले। देखिए सबसे बड़ा सवाल और कहीं कहीं क्या होता है, अच्छा आप हिंदी बोलते हैं, आप भारत में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, हिंदी बोलने जानते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते होंगे, बंगाली बोल सकते हैं? नहीं आता है, नहीं, नहीं आता है। अब बताइए पाकिस्तान, आप बताइए ना, हमारे ही बिहार में हिंदी ठीक है, भोजपुरी भी मैं ढंग से नहीं बोल पाती, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, वही सवाल मैं कर रहा हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान में रहने वाली जिसको हिंदी सही से आता तक नहीं था, पांचवा क्लास फेल, अच्छे से हिंदी बोलती है, उसके बावजूद पांचवा क्लास फेल है लेकिन जो है पास है, इंग्लिश एकदम फरट्टेदार बोलती है, क्या बिकॉज क्या वाई नोट लगाती है, हिंदी नहीं इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल रही है, लैपटॉप बहुत फ्रेंकली चला पा रही है, इट मींस कि जरूर कुछ जाल में काला है, पांचवी क्लास बच्चे आई डोंट नो कि ऐसा कर पाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वो कर पाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है इट मींस कि कुछ तो दाल में काला है, है। आप एटीएस ने उनसे एटीएस की कंपनी ने सॉरी एटीएस कंपनी ने यूपी एटीएस ऐसा कुछ क्या नाम भूल रही हूँ मैं, उसने सवाल पूछा है कि आप इतनी फराटेदार हिंदी कैसे बोल ले रही हैं? आप जो है पांचवी पास है, आपने आपको बताती है, आपने इतने फ्रेंकली इंग्लिश और हिंदी बोलना कैसे जाना? तो उनका जवाब पता है क्या है कि दिन में बच्चे मैं दिन भर काम करती थी, रात में बच्चे सो जाते थे, थोड़ा टाइम निकाल के मैं पबजी खेलती थी, पबजी पे लोगों से इंटरेक्ट करते करते मैं इतना सीख गई। मतलब किसी भाषा को सीखना है तो पबजी खेल लो, सॉरी टू से बट बहुत बच्चे गेम खेलते हैं, गेम बहुत बच्चे, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि वो फटाफटाटेदार इंग्लिश सीख गया, हिंदी सीख गया, उल्टा मैंने देखा है कि बस वो और पबजी के गिरफ्त में आके उसको मारो, इसको पीटो उसको, यही सीखते हैं वो, और कितने लोग तो इसके चपेट में आके बीमार हो गए हैं, उनको आदत पड़ गया है गेम खेलने का, खाना खा रहे हैं तो एक हाथ ऐसे ऐसे, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और मेरे नजदीकी के भी एक बच्चे को हुआ है, सुसाइड भी हो गया है, तो आपको पबजी का इतना लत कि आप प्यार पे उतर आए, वो भी हिंदुस्तान को बर्बाद कर, एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, आखिर सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ली? अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो सीमा हैदर है वो हिंदुस्तान में रहेगी या पाकिस्तान में जाएगी? पाकिस्तान जाएंगे तो उनके पति उनको मार देंगे, ये भी डर है, और पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ रहेगी सीमा हैदर? देखिए अब वो उसका मसला है, यदि वो सही है तो हमारा देश बहुत भोला भाला है, हमारा देश सबको पनाह देता है, है लेकिन, कि नहीं? लेकिन अगर वो खतरे की घंटी है कहीं से भी तो वो हमारे देश में उसको अलाउ ही नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि आप पहले तो चुपके से रह रही थी, आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, अगर कोई भी सिटीजन हमारे अदर सिटीजन्स हमारे इंडिया में आते हैं एज अ फॉरेनर, तो उनको भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है रहने के लिए, आप 10 दिन के लिए ही क्यों ना आओ हमारे देश, आपको परमिशन लेना होगा, लेकिन सीमा हैदर ने परमिशन नहीं लिया, अगर कोई बोलता है कि उसने परमिशन लिया है लिया, तो भाई नहीं उसके लिया। नहीं मैं एक बात कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ये करता है तो मैं बता दूं उसके पास वीजा है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं वैसा डॉक्यूमेंट, तो उसने परमिशन लिया कैसे? उसने परमिशन नहीं लिया है, इसकी मैं पुष्टि कर सकती हूँ, लेकिन अब उसको परमिशन शायद ना ही मिले क्योंकि ये प्रोविजन है ही नहीं, आपको कुछ दिन के लिए पहले अगर इंडियन सिटीजन बनना है तो पहले तो बाय रजिस्ट्रेशन होता है, सेक्शन 4 अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन ही लेना होगा, अच्छा। क्योंकि वो बाय बर्थ तो है नहीं, उनका कोई परिवार भी यहाँ नहीं रहता है। अगर सवाल उठता है कि सचिन ने जो है शादी कर ली है, तो वो भी मैं बता दूं, जब तक 5 से 7 साल सचिन के साथ उनका शादी का नहीं होता है यहाँ रहने का, तब तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता, इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, यानी कि भारत की नागरिकता मिलने में बहुत सारी कठिनाई आएंगी, कहिए तो ना के बराबर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान जाएगी? बिल्कुल।
अगर पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहती है, अगर नहीं गई तो क्या इंडियन जेल में रखा जाएगा? बिल्कुल हा? उसको खुले तो छोड़ नहीं सकते हैं, खुले तो छोड़ नहीं बिल्कुल सकते नहीं है? लेकिन हाँ, वो चाहे या ना चाहे उनको पाकिस्तान ही, मुझे लगता है जैसे जैसा मैं देख पा रही हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है, हो सकता है मुझे और अपडेट होने की जरूरत हो, तो जहां तक मैंने पढ़ा, जहां तक मेरा अनुभव है, जो मैं देख पा रही हूँ सोसाइटी को, अभी उसके अकॉर्डिंग इसको पाकिस्तान ही भेजा जाएगा, पाकिस्तान ही भेजा जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी खुलासा है कि सीमा हैदर जो है हिंदुस्तान में नहीं रह सकती है, जैसा कि सारा कानूनी प्रक्रिया आपको बताएं, उनको पाकिस्तान जाना ही होगा, अगर वो पाकिस्तान नहीं जाती है तो उनको जेल में रहना होगा। अब बाकी बात एटीएस जो है सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, सवाल का जवाब मिल रहा है, देखिए बाकी आगे क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे सब्सक्राइब कीजिए। जोश तक न्यूज के लिए जय हिंद।